जैसे कि पहले हम लोगों ने 5 चैप्टर शुरू किया हुआ है, 5.1 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। अब तक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक आप लोगों का हो गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7, वो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने इसमें क्या करना है, हमने एक पॉलिनोमियल दी होती है, दी गई है, हमने उसकी डिग्री बताना है कि उसकी डिग्री क्या है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिग्री क्या है, ठीक है। अगर हम डिग्री की बात करें तो हम देखेंगे डिग्री क्या होती है, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो होती है कि आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, ठीक है, और उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो हाईएस्ट पावर होगी ना वेरिएबल की, वो डिग्री होगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है x²y + x³y² + z4। अच्छा, इसमें देखें डिग्री क्या है, एक्स स्क्वेयर की 2 डिग्री है, इसकी पावर 2 है, और वाई की पावर क्या है, 1, 2 और 1, 3। यहाँ पे एक्स की पावर 3 है और वाई की पावर 2 है, 3 और 2, 5, और जी की पावर क्या है, 4। या अब हमने देख रहे हैं इसकी टोटल पावर 3 है, टोटल पावर 4 है, इसकी पावर 4 है। हमने देख रहे हैं सबसे हाईएस्ट पावर किस वेरिएबल की है, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी ना वो उसकी डिग्री होगी। इसमें हाईएस्ट पावर 4 है तो सॉरी, इसमें हाईएस्ट पावर 5 है तो 5 हमारी क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल या इस एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई प्लस जी, इसमें इसमें इसकी पावर क्या है, 2, इसमें 1 है और इसमें भी क्या है, 1। अब इसमें हाईएस्ट पावर इस देख रहे हैं हमने, हाईएस्ट पावर किसकी है, 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, x प्लस 1, इसमें देखिए वेरिएबल की पावर क्या है, 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। इसमें है ये कि वेरिएबल है, उसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें डिग्री क्या है, इसमें एक्स की डिग्री 2 है और इसमें डिग्री 1 है, तो हमने तो हाईएस्ट डिग्री देखना है, हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। x³ - xy + 1, इसमें x की 3 है माइनस x की 1 और y की 1, यानी कि 2, टोटल डिग्री 2 हो जाएगी, 3 और 2, हाईएस्ट कितनी है, 3, तो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। x²y² + x³y² - 1, इसमें वेरिएबल की, इसमें अगर x की 2 है y की 2 है, टोटल 4, x की 3 y की 2 5 माइनस 1, तो इसमें क्या है, 4 है और इसकी क्या है, 5, तो हमारे पास यहाँ पे डिग्री जो होगी वो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री होगी 5, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, ठीक है, 5 डिग्री हो जाएगी इसकी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सेपरेट द पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। वो कहते हैं कि उन पॉलिनोमियल को सेपरेट करो जो लीनियर है, जो क्वाड्रेटिक है, जो क्यूबिक है एंड जो बाई क्वाड्रेटिक है। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास वो होती है जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो हम उसे कहेंगे ये लीनियर है, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो उसे कहेंगे क्यूबिक है, और जिसकी डिग्री 4 हो हम उसे कहेंगे ये बाई क्वाड्रेटिक है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पार्ट 1 की तरफ आते हैं, 3x + 1, इसमें देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है ना, तो मैंने कहा था जिसकी डिग्री 1 हो वो हमारे पास क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल होती है, ठीक है। इसमें x की पावर क्या है, 1 है, यानी कि x की डिग्री क्या है, 1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर। नेक्स्ट पार्ट है x²-2, इसमें देखा तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो जिसकी डिग्री 2 हो वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक होती है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें देखें y²-1, इसमें y² यानी कि 2 डिग्री है और इसमें क्या है, 1, हाईएस्ट डिग्री तो 2 है ना, ठीक है, और जिसकी डिग्री 2 हो वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है, यानी कि इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 होगी, हाईएस्ट डिग्री भी 1 है, तो इसमें जो जिसकी डिग्री 1 हो वो क्या होती है, लीनियर। अब x³ + x²-2, इसमें x की डिग्री 3 है, इसमें x की डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री 3 है ना, तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर क्या है, 2, तो जो हायर, जिसकी हाईएस्ट पावर होती है हमारे पास वही डिग्री होती है, ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, जिसकी डिग्री 3 हो वो क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है x की पावर 4 है प्लस x की पावर 3 है प्लस x की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर किसकी है, x की पावर 4 है ना, हाईएस्ट पावर 4 है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है ना वही हमारे पास क्या होती है, डिग्री, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 4, तो जिसकी डिग्री 4 हो वो क्या होती है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। अब हम देखें x की पावर 4, y की पावर 4 प्लस x प्लस y, x की पावर 2 है और y की पावर 2, यानी कि टोटल पावर इसकी 4 होगी, इसकी 1 है और इसकी 1, टोटल पावर 2 होगी, जिसकी हाईएस्ट पावर हो हमारे पास वो डिग्री होती है, डिग्री हमारे पास 4 होगी, तो ये क्या हो जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका x² + xy + 8, इसकी पावर 2 है, इसकी भी पावर 1 और 1, 2 हो जाएगी,
तो हाईएस्ट पावर इनकी टू ही रहेगी हमारे पास। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? टू। और जिसकी डिग्री टू हो वो हमारे पास क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। आप लोगों की एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई हुई है। आई होप आप लोग भी साथ साथ काम कर रहे होंगे, अपना कंप्लीट कर रहे होंगे। और अगर किसी को किसी चीज़ की समझ ना आए तो वो मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा। अल्लाह हाफिज़।